अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद आदिल। आप देख रहे हैं अपना फेवरेट यूट्यूब चैनल हुज़ैफा ट्रेडर्स। नई प्रोडक्ट के रिव्यू के साथ हाजिर हुए हैं। प्रोडक्ट आपके सामने है, ये है DVB T2 एंड C टीवी स्टिक। तो ओरिजिनली ये वाली टीवी स्टिक जो है पाकिस्तान में काम नहीं करेगी, क्योंकि इसका जो T2 ट्रांसमिशन है पाकिस्तान में ये ट्रांसमिशन नहीं चलती। लेकिन DVB-C जो है यानी केबल वाली ट्रांसमिशन को ये टीवी स्टिक सपोर्ट करती है, लेकिन वो भी केबल जो डिजिटल केबल होती है। तो ये केबल के लिए इस्तेमाल होगी। लेकिन इसका जो मैं मेन फीचर सबसे पहले बता दूं कि इसमें YouTube बहुत परफेक्टली चलती है। तो इसमें YouTube भी चला के चेक करेंगे और DVB-C T2 और C के ऑप्शन भी देखेंगे कि अंदर ये किस तरह ट्यूनिंग वगैरह का काम करते हैं। तो प्रोडक्ट को ओपन करके इसका देख लेते हैं अनबॉक्सिंग क्या क्या है इसके साथ। ये हमें सबसे पहले रिमोट मिलता है, बड़ा प्यारा सा छोटा सा खूबसूरत रिमोट है। और इस रिमोट की खास बात यह है कि इसके ऊपर वाले जो चार बटन हैं, ये पांच बटन हैं, ये हम किसी भी रिमोट के कॉपी कर सकते हैं। जैसे हम टीवी को कंट्रोल करने के लिए उसका जो सोर्स का ऑप्शन है ऑडियो वीडियो का, वो यहाँ पे कॉपी कर लें, और वॉल्यूम कम ज़्यादा करने के लिए कॉपी कर लें, और टीवी को ऑन ऑफ करने के लिए यहाँ पे कॉपी कर लें। तो ये चारों बटन जो है कॉपी होके इससे टीवी भी कंट्रोल कर सकते हैं। बाकी इसके फंक्शन जो है वो इस प्रोडक्ट के साथ रिलेटेड हैं। उसके बाद हमारे पास ये टीवी स्टिक आ गई है। इसके यहाँ पे ये केबल की पोर्ट जहाँ पे केबल लगेगी। और फिर बताता चलूँ कि ये आम एनालॉग केबल को सपोर्ट नहीं करता, डिजिटल केबल को ये सपोर्ट करता है। एक USB का ऑप्शन है, ये कंपनी का नाम डी कलर लिखा हुआ है, और ये छोटी सी तार है इसके साथ जो HDMI पोर्ट में टीवी के लग जाएगी। और जो इस साइड पे है यहाँ पे रिमोट का सेंसर लगेगा, और यहाँ DC 5 वोल्ट, यानी आप अपनी LED के USB पोर्ट से ही इसको करंट दे देंगे, इसके लिए अडाप्टर लगाने की ज़रूरत नहीं है। ये हमारे पास इसके साथ आ जाता है जी सेंसर, आम सा सेंसर जो डिश रिसीवर्स के साथ लगा होता है वही सेंसर है इसके साथ। और ये 5 वोल्ट जो है केबल है जिससे हम इसे इसको पावर देंगे, और नीचे इसके यूज़र मैनुअल वगैरह भी पड़ा हुआ है। अब इसको टीवी के साथ लगाते हैं और लगा के चेक करते हैं इसका मेन्यू वगैरह और इसके फंक्शन के हमारे काम के हैं या नहीं है। दोस्तों ये वाली टीवी स्टिक को हमने ये टीवी की HDMI के साथ लगा दिया LED के साथ, और ये सेंसर लगा दिया यहाँ पे, और अभी हम इसको यहाँ टीवी से ही 5 वोल्ट दे लेंगे। दोस्तों अभी हम इसको पावर ऑन कर रहे हैं डिवाइस को, टीवी स्टिक को, तो LCD पे अभी इसका डिस्प्ले आ जाएगा। ये इसका कंपनी का शुरू में मोनोग्राम आ गया, डी कलर कंपनी की ये टीवी स्टिक। अच्छा स्टार्ट पे ये देखें जी, ये जैसा कि मैंने आपको बताया था DVB T2 जो है ये यूरोपियन कंट्रीज के लिए चलता है। जैसे ये देखें हमारा इसमें पाकिस्तान जो है मुल्क नहीं आ रहा। तो ये फ्री टू एयर ट्रांसमिशन होती है जो यूरोपियन कंट्री अपने जो है व्यूवर्स को, अपनी लोगों को अपने मुल्क में फ्री टू एयर इसी डिवाइस के जरिए फ्राहम करते हैं। तो FTA चैनल होते हैं यहाँ पे। तो अभी हमारे पास क्योंकि ये सहूलत नहीं है तो हम यहाँ पे एग्जिट कर जाएंगे। यहाँ पे देखें ये DVB-C है, यहाँ डिजिटल केबल को हम स्कैन जरूर कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास यहाँ पे अभी भी डिजिटल केबल की सहूलत भी नहीं है। तो ये इसका जी मेन्यू आ चुका है चैनल सर्च में, जैसा मैंने अभी आपको दिखा दिया है कि चैनल सर्च जो है यहाँ से DVB T2 और C की सर्चिंग वगैरह कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे अभी मेरे पास दोनों सहूलतें नहीं है। फिर यहाँ पे आ जाती है जी हमारी सेटिंग, ये इसके कुछ सेटिंग वगैरह, वही डिश रिसीवर की सेटिंग की तरह की इसकी सेटिंग है। और यहाँ पे अपग्रेड का ऑप्शन मौजूद है, यहाँ से हम इसको ऑनलाइन अपग्रेड भी कर सकते हैं। मैंने इसको अपग्रेड कर दिया, ऑनलाइन अपडेट हो चुकी है ये डिवाइस जी। दोस्तों इसमें देखिए नेटवर्क सेटिंग का ऑप्शन है, जहाँ पे आप वाईफाई वगैरह अपना जो यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये वेदर है, वेदर भी आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए इटली का कोई शहर का अपडेट है, तो आप इसमें अपना सिटी लाहौर या कराची वगैरह सेट करके वेदर अपडेट कर सकते हैं, ठीक है। और ये बिल्कुल सही काम करता है। उसके बाद YouTube है, IPTV है। IPTV मैंने खोल के चेक किया है, तो यहाँ पे इंपोर्ट करनी पड़ेगी। मेरा ख्याल M3U फाइल इस USB के जरिए इसमें इंपोर्ट होगी और IPTV भी चल जाएगा। यहाँ पे ये वीडियो म्यूजिक और पिक्चर USB वगैरह को प्ले करने के लिए ये ऑप्शन मौजूद है। तो हम अभी YouTube चेक करते हैं नेटवर्क। अच्छा वाईफाई कनेक्ट करें, पहले वाईफाई कनेक्ट कर लेते हैं। ये देखिए जी दोस्तों YouTube ओपन हो चुकी है, और यहाँ पे देखें ऑटो इसने पाकिस्तानी रीजन उठा लिया है, और यहाँ पे हमें पाकिस्तानी जो वीडियो ड्रामा वगैरह के चैनल और कार्टून वगैरह नज़र आ रहे हैं, जो पाकिस्तान में आमतौर पर लोग देखते हैं, ट्रेंडिंग जो वीडियोज़ हैं। अगर आप यहाँ पे कैटेगरीज में आएंगे तो देखें यहाँ पाकिस्तानी ड्रामा, ये कार्टून कैटेगरी, गेम्स म्यूज़िक वगैरह की है।
जैसे अगर हम यहाँ पे ये देखिए कार्टून की कैटेगरी सेलेक्ट किया तो ये कार्टून्स की लिस्ट वगैरह आ गई है, तो कोई एक प्ले भी करके देख लेते हैं कि प्ले होते हैं कि नहीं होते। ये दोस्तों कार्टून प्ले हो चुके हैं, ये चेक करें दोस्तों फुल 1080p रिजल्ट में ये यूट्यूब चला रहा है। तो और इसकी आप क्वालिटी भी चेंज कर सकते हैं, यहाँ पे देखें अगर आप इसकी सेटिंग में जाएंगे तो ये देखें ये रेजोल्यूशन जो है 1080p तक सपोर्ट करती है। यहाँ पे आप 360, 480, 720p कोई भी कैटेगरी सिलेक्ट करके रेजोल्यूशन की तो आप ये वीडियो चला सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, इसका छोटा सा रिव्यू मैंने स्टिक का दे दिया है, और अगर किसी को ये प्रोडक्ट चाहिए हो तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर रابطہ कर सकते हैं। आप दोस्तों का बहुत शुक्रिया, जल्द मिलते हैं नई वीडियो के साथ, अल्लाह हाफिज।